बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के ग्राम अकबरबाद से फरार प्रेमी युगल को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। प्रेमी युगल अलग अलग सांप्रदायिक होने के कारण पुलिस अकबरबाद के ग्रामीणों को बेवजह परेशान करने पर तुली है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस अपराध करने वालों को सजा दे, न कि पूरे गांव के साथ बदसलूकी करने पर उतर आए। अकबरबाद के ग्रामीणों ने बिजनौर जिला अधिकारी से मांग की है कि उन्हें बेवजह परेशान करने वाली पुलिस पर अंकुश लगाया जाए, ताकि गांव वाले अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, जबकि फरार प्रेमी युगल से गांव वालों का लेना देना नहीं है। मैं हमारा जो यहाँ पे आने का मकसद है, हम डीएम साहब को और एसपी साहब को जो यहाँ पर विज्ञप्ति देने के लिए आए, शिकायत करने के लिए आए हैं। शिकायत भी बहुत गंभीर है कि एक मामला था 5 तारीख में, एक एससी कास्ट की जो लड़की थी वो मुस्लिम लड़के के साथ में भाग गई या कहीं भी चली गई, लड़की वालों ने उस पर शिकायत कंप्लेंट की, तो जिससे अब प्रशासन पर प्रेशर बना हुआ है, दबाव बना हुआ है, जिससे वो लड़के वाले जो हैं सारे, मैं चाचा चाची ताऊ सब पूरे घर में ताला लगा हुआ है, सारे भाग गए यहाँ से। अब बाकी के जितने भी ग्रामीण हैं सारे भय में हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन इतनी टॉर्चर कर रहा है, हर किसी को भी देख के पुलिस थाने में ले जा रहा है, 7-7 दिन उनको रख रहा है, 7 दिन से अभी तक कोई किसी को छोड़ा भी नहीं है उन्होंने, और टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं और वो कर रहे हैं। अभी 5 दिन पहले भी पकड़ा था, अभी 3 दिन पहले। हम ये चाहते हैं कि जो कसूरवार है उनको पकड़ें, चाहे उनके साथ में उनके घर की कुड़की करें, वारंट करें, कुछ भी करें, लेकिन जो बेकसूर है उनको ना पकड़ा जाए। अच्छा, पूरे गांव वालों का ये मामला, पूरे गांव में, पूरे गांव में भय का मामला है, बिल्कुल बिल्कुल पूरे गांव में भय का मामला बना हुआ है, और बहुत सुखी तो फसल भी सूखी खड़ी है, वो काटेंगे क्या करेंगे बेचारे, गाय भैंस जो है वो भी मतलब प्यासी है। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जी? हमें परेशानी का सामना ये है कि पूरा मामला भयभीत, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपना वादा किया है कि मतलब सबका साथ और सबका विकास करेंगे, इसी तरीके से प्रशासन को यही चाहिए कि जो एक पक्ष जो है मतलब डरा हुआ है, उस उनका डर निकाल दें फिर से, यही है कि ईमानदारी से काम करें। हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, अगर कोई क्लू मिलता है किसी भी तरीके से तो हम उनका साथ देंगे, बस आगे के लिए हमारा कदम यही है कि जो हम यहाँ पे जो कंप्लेंट दे रहे हैं वो इसी वजह से कंप्लेंट दी जा रही है हमारी तरफ से, कि जो बेकसूर है उनको आगे के लिए ना कुछ पकड़ा जाए, उनको अगर पूछताछ भी करनी है तो पूछताछ करके छोड़ दें, 7-7 दिन और 3-3 दिन और 5-5 दिन ना रखें बिल्कुल, और ना टॉर्चर करें उनके साथ में, क्योंकि कानून भी ये नहीं बता रहा कि उसको जो है तुम मतलब पकड़ के रखें, बिठा के रखें थाने में, जबकि 7-7 दिन वो गैर कानूनी। पुलिस परेशान कर रही, सारा गांव में पहरा लगा रही, भागी फिर रही गाड़ियां, रोज लियो फिर रही गाड़ियां, और घर में घुस रही डेरा लड़कियों को, और तो परेशान कर रही है पुलिस। इसी केस में कर रही कि चमार की लड़की भगा के ले गया ना, हमारे कुटुंब का ही लड़का है, लेकिन कुटुंब वालों ने थोड़ी ना कह दिया कि तुम ले जाओ भगा के, कुटुंब वाले कहते तो जब ले जाते हो, कुटुंब वालों को जब परेशान करते हैं, उनका नाम भी लिखवा रखा है। किस तरह से परेशान कर रही है पुलिस आपको? सीधी यूँ कर रहे हैं कि लड़कियों को लड़की होगी तो लड़की को बैठाएंगे, हम तो मुसलमान की लड़की को भी नहीं छोड़ना था, हम तो ऐसा क्या है कोई मतलब, सारे मुसलमान थोड़ी ना कह रहे हैं कि तुम हिंदुओं की लड़की घर में लेकर आ जाओ, वो खुद इनका घर फोड़ो तोड़ो बुलडोजर चलाओ पुलिस कुछ भी करो, जो लड़का लेके गया वही इसको कह सकते हैं कुछ, इसके घर पर कुछ और किसी को नहीं कह सकते। पूरे अकबराबाद में रोज की 3-3 4-4 गाड़ियां घूम रही हैं गलियों में, और सीधा डायरेक्ट औरतों का घुस रहे हैं घर में जाके, तो इसका मतलब कोई पर्दे वाली है, कोई बेपर्दे वाली है।